सर सैयद की राष्ट्रीय आंदोलन से परे रहने की नीति भले ही देर तक सफल न रही हो, लेकिन उनके साथी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेत्र का खास हक देने पर राजी किया। इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाववाद को काफी बढ़ावा दिया। इन अलग चुनाव क्षेत्रों की बिना पर 1916 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमीयत उल उलेमा और एहरार ने डटकर 1921 के आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, जिसकी जबरदस्त मुखालफत हुई। कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। 1927 के अंत में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नए संविधान के बारे में बातचीत हुई और मोतीलाल नेहरू की सदारत में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस में सख्त इख्तलाफ हुए और आखिर लीग की कई शर्तें रद्द कर दी गईं। इसके बाद लीग ने फिर जोर पकड़ा और 1931 के आंदोलन में मुसलमानों को भाग न लेने पर उकसाया। तब तक खिलाफत पार्टी बिखर चुकी थी, मगर जमीयत उल उलेमा और एहरार पार्टियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ नहीं छोड़ा। अपनी सगर्मियों को एक तरफ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप खिलाफती कमेटी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं, कभी कभी तो बहुत परेशानी में डाल देते हैं आप। अरे भाईजान, आप भी तो इन तीनों में हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक खिलाफती हैं बस, बाकी सब बातें बाद में। खिलाफत और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मतलब लीग अब अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये तमाम पार्टियां तो भराए नाम अलग अलग। 1932 में अंग्रेज सरकार की ओर से सांप्रदायिक अवार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रांतों में सरकार भी कायम होगी, जिसमें हिंदुस्तानियों की काफी दखल होगी। मगर पूरे मुल्क के लिए केंद्रीय सरकार बनाने पर अंग्रेज राजी नहीं थे। हर संप्रदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र मुकर्रर हुए और इस कानून के तहत 1936-37 में चुनाव तय हुए। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी। हालांकि कांग्रेस कई प्रांतों में जीती, लेकिन कांग्रेस ने खास मुस्लिम चुनाव सीटों पर बहुत कम उम्मीदवार खड़े किए और जहां किए भी वहां आधी से कम जगहों पर फतेह हासिल की। इसके बाद लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से फिर एक बार समझौता करना चाहा, मगर शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग को ही हिंदुस्तानी मुसलमानों का एकमात्र नुमाइंदा स्वीकारा जाए, जो शर्त कांग्रेस ने रद्द कर दी। इसके बाद झांसी के एक उपचुनाव में लीग ने पहली बार इस्लाम खतरे में है का नारा अपनाकर कामयाबी हासिल की तो लीग और कांग्रेस में तनाव बढ़ गया। फिर क्या, अंग्रेजों की फूट डालकर कमजोर करो वाली नीति जो वो आयरलैंड में आजमा चुके थे, यहाँ भी कारगर साबित हुई और देखते देखते मुल्क के बंटवारे के लिए मांग बढ़ने लगी।